विधानसभा में आज प्रशासनिक अधिकरण विधेयक को बंद करने को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया और जमकर नारेबाजी की, लेकिन इसके बावजूद भी बिल पारित हो गया। विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आनन फानन में कर्मचारी ट्रिब्यूनल बंद कर दिया, जबकि कांग्रेस ने इसे दो बार स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज ये बिल लेकर आई थी कि जो ट्रिब्यूनल में 21,000 मामले लंबित पड़े हैं उन्हें हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर किया जाए तथा ट्रिब्यूनल बंद करने की तो अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसके पक्ष में नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भाजपा सरकार तानाशाही हो चुकी है, जो कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है, क्योंकि पहले जो कर्मचारियों को सस्ता न्याय मिल रहा था वे अब उन्हें नहीं मिलेगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आनन फानन में सेशन शुरू होने से कुछ समय पहले जो है कर्मचारी ट्रिब्यूनल भंग कर दिया। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने दो दफा इसको स्थापित किया, पहले भी इनकी सरकार आई तो इन्होंने भंग किया, इस दफा फिर इन्होंने भंग किया। कांग्रेस पार्टी आज तो हालांकि ये जो बिल लेके आए थे, ये जितने भी केसेस हैं इसमें 21,000 के आसपास, ये उसको हाईकोर्ट ट्रांसफर करने के लिए लेके आए हैं और ट्रिब्यूनल भंग की तो नोटिफिकेशन भी हो चुकी है, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि ये कर्मचारी विरोधी है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उनके किसी भी फैसले पे उंगली उठाई जाए। सरकार पूरी तरह तानाशाह हो गई है, डिक्टेटर हो गई है। कर्मचारियों को बड़ा सुलभ न्याय जो है मिल रहा था, सस्ता न्याय मिल रहा था ट्रिब्यूनल में जाके, अब जो है हाई कोर्ट में जो है वो सुविधा उनको नहीं मिलेगी। और खास तौर पे जो कर्मचारियों को लगातार जो न्याय मिला, जो उनको स्टे मिली, उससे जो है जयराम सरकार जो है वो उसको तड़फन हुई। और एक तरफ तो उन्होंने इसके दो मेंबर भरने की प्रक्रिया शुरू कर रखी थी और उसमें मेंबरों का चयन भी हो गया, और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में एकाएक ट्रिब्यूनल बंद कर दिया गया। हालांकि ट्रिब्यूनल जो है धर्मशाला भी जाता था और मंडी भी जाता था, सर्किट बेंच थे और लोगों को अपने स्थान पे न्याय मिल रहा था। और अब जो है हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट के पास पहले ही वे 40,000 मुकदमे हैं, उसमें 21,000 और ऐड हो जाएंगे, तो और कर्मचारियों को तो न्याय मिल ही नहीं पाएगा। वहीं राकेश सिन्हा ने कहा कि सरकार प्रदेश से आर्थिक बोझ को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल बंद करने के बजाय मंत्रियों विधायकों की सुख सुविधाएं कम करनी चाहिए थी। यदि सरकार प्रदेश के आर्थिकी को बचाने की बात पर ट्रिब्यूनल बंद कर रही है तो सरकार को मंत्रियों और विधायकों की सुविधाएं और वेतन भत्ते भी कम करने चाहिए। आपको मालूम है कि आज ये विधेयक लाया गया जो एरियल रोपवे से संबंध रखता है, इसमें अमेंडमेंट लाई है सरकार ने, जिससे मैं असहमत हूं। असहमति का कारण यह है कि ये एरियल रोपवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसका मतलब है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के साथ सरकार की भूमि है, तब पब्लिक प्राइवेट है। लेकिन संशोधन ये ले आया है, दो किस्म के संशोधन। एक संशोधन है कि जो टैरिफ होगा, जो किराया लेंगे, उस किराया को अब सरकार नियंत्रण नहीं करेगी, कोई एक्सपर्ट कमेटी उसको निर्धारित नहीं करेगी, लेकिन जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो उसको निर्धारित करेगी। मेरा मानना यह है कि सरकार को किसी भी प्राइवेट कंपनी को खुली छूट नहीं देनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर सरकार के कोई चहेते हैं जिसके लिए ये लाया जा रहा है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने बिना सोचे समझे कि इसका परिणाम क्या होगा उसे ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल बंद कर दिया, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल को बंद करना प्रदेश सरकार की तानाशाही है तथा ट्रिब्यूनल बंद होने से 21,000 कर्मचारियों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। बहुत दुख की बात है कि सरकार ने बिना सोचे समझे इसका परिणाम क्या होगा उसको ध्यान में रखते हुए आनन फानन में जो है वो उन्होंने ट्रिब्यूनल को एबॉलिश कर दिया। जो ट्रिब्यूनल है वो कोई खतौना नहीं है, ये आज खोला कल बंद कर दिया।
ये इंसाफ दे रहा था अपने लिए. थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैज एक्सेस टू इट. इस तरह से इसको बंद करना ये मजाक है. टर्बुलेंस कोई आज नहीं बना, लंबे अरसे से चल रहा है और उसने अपना अस्तित्व जो है वो कायम किया है. इस हालत में अगर आप किसी एक छोटे से मसले की सुझाने के लिए टर्बुलेंस को बंद करना चाहते हैं तो समय मैं समझता हूँ कि ये जाना चाहिए. ये जो टर्बुलेंस है ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो कर्मचारी हैं उनके बहुत केस होते हैं. अगर वो हाई कोर्ट में सब खा जाएंगे तो हाई कोर्ट का ज़्यादा समय तो इसी में ही व्यतीत होगा. और पेंडेंसी हाई कोर्ट में ऑलरेडी बहुत लंबी है, क्या लंबे लंबे अरसे से केसेस जो है पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर. टेबलेट के अंदर जो है एकदम से राहत मिलती है. विपक्ष के विरोध का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि देश में कई राज्य ट्रिब्यूनल बंद कर चुके हैं, साथ ही कई राज्य इसे खत्म करने की सोच रहे हैं. सरकार ने ट्रिब्यूनल को बंद करने का फैसला सोच विचार करके ही लिया है. ट्रिब्यूनल में 21,000 मामले लंबित पड़े हैं. सही मामले में ट्रिब्यूनल से कर्मियों को जल्द न्याय नहीं मिल रहा था, इसलिए ट्रिब्यूनल को बंद करने का फैसला लिया गया. हमने आज बड़ा स्पष्ट किया कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के लिए हमने कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया. बहुत सोच विचार करके निर्णय लिया, अपने दल के साथियों के साथ भी चर्चा की, कर्मचारियों के भी बहुत बड़े वर्ग के साथ चर्चा की और उसके साथ साथ में जब सबसे चर्चा करने के बाद एक दिशा में विषय आगे बढ़ा कि इसका लाभ नहीं है. और दूसरी बात, हमने इस बात को भी देखा कि पूरे देश भर में मात्र 6 प्रदेशों में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है. अभी उड़ीसा ने 1 महीने पहले जो है वो ट्रिब्यूनल समाप्त किया अपने प्रदेश में. कर्मचारियों को राहत देने के लिए किया गया था, लेकिन कर्मचारी ही इस बात को अनुभव कर रहे थे कि जिस राहत के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया गया वो राहत हमको उस रूप में नहीं हासिल हो पा रही है, नहीं मिल पा रही है. 21,000 मामले हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में लंबित है. हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति भी ऐसी नहीं, जिस काम से हमको लाभ नहीं हो पा रहा है, राहत नहीं मिल रही है कर्मचारियों के वर्ग को, प्रदेश को जो है उससे लाभ नहीं मिल पा रहा है. तो ऐसी परिस्थिति में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को बंद किया जाए ऐसा निर्णय सब लोगों के साथ चर्चा करने के बाद हम जो है वो लेने में आगे बढ़े और हमने निर्णय लिया. और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है बिल्कुल जो है मेरिट पर सारी चीजें चर्चा करने के बाद हमने बंद करने की दिशा में आगे बढ़ करके निर्णय लिया है. आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका चौहान की रिपोर्ट.